Hi kids, today we are taking up the fifth lecture of matrices. आज हम एक बहुत important part matrices में पढ़ेंगे, that is a product of matrices. Last time हमने जो पढ़ा था, that was addition and subtraction of matrices. दो lecture हमने इसी के ऊपर लिए थे, lecture number 3 and lecture number 4. Today we have the product of matrices is a very important part of the matrices. ठीक है, ध्यान रखना. Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे वन मार्कर में पूछी जा सकती है, दिस कैन बी आस्क्ड इन अ वन मार्कर, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल. प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल. ध्यान से पहले सुनना, मैं पहले आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं. जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है m इंटू n, b है n इंटू p. प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड. मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज पॉसिबल इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. ठीक है, ना बी केयरफुल विद इट, ये ध्यान रख के चलना. पहला मैट्रिक्स और दूसरे का रो, मतलब पहले का कॉलम अगर दूसरे के रो के बराबर है, देन द प्रोडक्ट इज पॉसिबल, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल. जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट एंड कॉलम ऑफ सेकेंड. फिर से रिपीट करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ रो कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड. कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड. जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रो ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड. या हम ये भी कहते हैं, प्रोडक्ट पॉसिबल कब है, जब अंदर के सेम हो, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बाहर के. रिजल्ट क्या आएगा, बाहर के. लेमैन लैंग्वेज में ऐसे हम उसको याद करते हैं. ठीक है ना, लेट्स कम डाउन टू द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सीखते हैं, सिर्फ हमें प्रोडक्ट सीखना है. ध्यान रखना, क्या सीखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स विल टेक अप टुडे. इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से करना है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है घर पे. बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बट सिर्फ नया है तो इससे यूज टू होना है. अभी तक हमने ऐसे प्रोडक्ट नहीं किया है. ठीक है, नाउ आई विल टेक अप द फर्स्ट. पहले मैं ऐसे ही नॉर्मल इक्वेशन ले रहा हूं, जैसे वी हैव दिस एज 2, 3, 5, 5, 2, 1. इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस ऑर्डर इज व्हाट, इट हैज टू रोज एंड थ्री कॉलम. ठीक है, देन व्हाट आई टेक अप, अब मैं अगर मान लो यहां पे लिखता हूं 2, 3, 5, 7. अगर मैं इसको देखूं तो ये नंबर ऑफ कॉलम वर हाउ मेनी, 3, और यहां पे नंबर ऑफ रोज आर हाउ मेनी, 2. प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है. टू मेक द प्रोडक्ट पॉसिबल हम क्या लेके चलते हैं, हम यहां पे एक और एलिमेंट लिखते हैं. लेट्स टेक अप दिस वन एज 3 एंड 1. अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर इज व्हाट वी हैव, इट हैज नाउ 3 rows and 2 columns. अब प्रोडक्ट इज पॉसिबल, नाउ प्रोडक्ट इज पॉसिबल. ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 cross 2. क्या होगा, 2 cross 2. नाउ जस्ट सी दिस वन, मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे ध्यान से देखना, हाउ वी मल्टीप्लाई, आई ऑलवेज मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, दैट विल गिव मी 1, 1. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम विल गिव मी 1, 1. तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है, जैसे ध्यान से देखना, 1 and 1. तो ये क्या हुआ, 2 into 2 plus 3 into 5 plus 5 into 3. ये क्या हुआ, 1, 1. एलिमेंट की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 1, 1. अब आई नेक्स्ट व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम. ठीक है, तो दैट मीन्स इट गिव अस 1, 1, 2. तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 2 into 3.
प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है ना। अब मेरे पास आगे कुछ कोई नहीं है तो आई कैन नॉट मल्टीप्लाई इट अप, ठीक है। मैं हाँ आगे कुछ होता जैसे 3 क्रॉस 3 भी होता तो भी मैं इसको नेक्स्ट से क्या करता, मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। एंड देन आई मूव टू द नेक्स्ट रो, सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3। देन सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम दैट इज 2, तो ये क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1। Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, ये क्या आएगा 4 प्लस 15 प्लस 15, दिस इज वॉट वी हैव 6 प्लस 21 प्लस 5, नाउ दिस कम्स आउट टू बी 10 प्लस 10 प्लस 3, दिस इज 15 प्लस 14 प्लस 1। Now what I get from here, मेरे पास यहाँ पे क्या आता है 15 प्लस 4 दैट कम्स आउट टू बी वॉट 34, दिस इज वॉट वी हैव 11 प्लस दिस कम्स आउट टू बी वॉट 32, then this is 23, this comes out to be what we have 30, that's what we have, ठीक है। तो result क्या है 2 cross 2, fine, this was an example I've taken with you, now we'll start up with exercise, exercise का हम क्या लेंगे, पहले question के हमने दो part छोड़े थे, first question के we left out two parts with you, that is, that was based on product, वो किसके ऊपर based थे हमारे, product के ऊपर based थे, यहाँ से देखें उसको हम कैसे करते हैं। I'll simply take a product with you. First question का पहले fourth part लेते हैं, ठीक है। This is what he is asking. A दिया हुआ है मेरे पास A as what 2 4 3 2, ठीक है। Now next we have B. B क्या दिया हुआ है, B is what 1 3 -2 and 5, ठीक है। तो I need what, मेरे को क्या चाहिए, that is A B, क्या चाहिए ए बी, दैट कम्स आउट टू बी 2 4 3 2 इंटू व्हाट वी हैव 1 3 -2 5, ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई फिर से, ये अब यहां पे देखना ये क्या ऑर्डर इज 2 cross 2, इसका ऑर्डर इज आल्सो 2 cross 2, ये और ये बराबर हैं, इसका जो रिजल्ट आएगा उसका भी ऑर्डर होगा 2 cross 2, बाहर वाले ध्यान रखना। नाउ अब मैं प्रोडक्ट कैसे लेता हूं, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट दैट गिव्स अस 2 into 1, देन प्लस 4 into -2, देन व्हाट वी हैव फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम दैट कम्स आउट टू बी, ध्यान से देखना 2 into 3 प्लस 4 into 5, देन सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम 2 1 हो गया ना 3 into 1 प्लस 2 into -2, देन नेक्स्ट वी हैव 3 into 3 प्लस 2 into 5, तो दिस गिव्स अस व्हाट वी हैव, ये मेरे पास क्या आएगा 2 - 8, दिस इज 6 + 20, दिस इज व्हाट 3 - 4, दिस इज 9 + 10, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट -6, दिस इज व्हाट 26, दिस इज -1, दिस इज 19, दैट्स व्हाट वी हैव, इसका ऑर्डर 2 cross 2 है, ठीक है। नाउ इशारा हो रहा है बड़ा लिखो, आई विल राइट लिटिल बिगर, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। नाउ इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं, सेकेंड पार्ट नहीं फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस, आई टेक अ फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस। नाउ फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट सेज इट यू व्हाट, दैट इज बी ए, उल्टा हो गया, ठीक है। बी क्या है मेरे पास, थोड़ा सा बड़ा 1 3 - 2 5, ए ये बी था, ए क्या होगा 2 4 3 2, प्रोडक्ट इज पॉसिबल, ये क्या कहता है, प्रोडक्ट इज व्हाट पॉसिबल 2 cross 2 2 cross 2, तो ये इसके बराबर है, रिजल्ट भी क्या है अंदर वाला सेम, तो बड़ा पॉसिबल है, तो रिजल्ट जो आएगा वो बाहर वाला आ जाएगा। नाउ दैट कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव, मेरे पास क्या आता है 1 into 2 plus 3 into 3, then what we have first row with first column, first row with first column, then first row with second column 1 into 4 plus 3 into 2, then second row with first column that is -2 into 2 plus 5 into 3, then what we have second row with second column -2 into 4 5 into 2, ठीक है, छोटा तो नहीं है और बड़ा,
ओके आई हैव टू वेट सॉरी ना अब बड़ा बड़ा लिखूंगा 2 प्लस 9 दिस इज 4 प्लस 6 दिस इज व्हाट वी हैव माइनस 4 प्लस 15 दिस इज व्हाट वी हैव माइनस 8 प्लस 10 दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी गेट ये क्या था 2 प्लस 9 इज व्हाट 11 दिस इज 10 दिस मेक्स इट व्हाट 11 दिस इज व्हाट 2 ठीक है That's what my answer is. Now it is fine. ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं है Okay. Now fine. Now this was the question number one. One के लिए दो part missed थे हमारे पास fourth and fifth. That we finished up today. Now we'll take up the next one. Next हमारे पास क्या कहता है? Question number हमें कौन सा लेना है? Three. Now we'll take up question number three. देखें ध्यान से question number three देखें. क्वेश्चन थ्री क्या कहता है ध्यान से देखना क्वेश्चन थ्री क्या कहता है थ्री का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है दिस इज व्हाट वी हैव ए बी माइनस बी ए इनटू व्हाट वी हैव ए माइनस बी बी ए नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर अब यहां पे फिर से 2 क्रॉस 2 प्रोडक्ट इज पॉसिबल रिजल्ट इज आल्सो 2 क्रॉस 2 ये फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम माइनस ए बी प्लस बी ए देन सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम दैट इज माइनस ए बी प्लस बी ए देन सेकंड रो विद सेकंड कॉलम दैट इज व्हाट माइनस बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Now this and sorry this goes off. So this comes out to be what we have a square plus b square 0 0. This is what a square plus b square. Okay, fine. ठीक है कोई दिक्कत किसी को नहीं है. Now I'll take up the second one with you. Second question लेते हैं. इसी का second part लेते हैं. इसके काफी सारे parts हैं. ठीक है. Now again second one क्या कहता है? Second मजेदार है. ठीक है सेकंड मजेदार क्यों है अभी बताता हूँ इसके पीछे का रीजन ये क्या है 1 2 3 नेक्स्ट इज व्हाट 2 3 4 बहुत से लोग क्या करते हैं बड़ा मजा आता है अभी तो जैसे क्लासेस चल ही रही हैं इट्स अ वीडियो लेक्चर नॉर्मली ये क्वेश्चन हम करने के लिए देते हैं बच्चे करो और चांसेस है 90% इसका जो आंसर निकालते हैं वो आंसर 1 क्रॉस 1 आता है वो कैसे व्हाट दे डू इट वो करते क्या है वन को इससे प्लस इसको इससे प्लस इसको इससे वो ये भूल जाते हैं ध्यान से सुनना अब इसका ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर इज व्हाट 3 क्रॉस 1 इट हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम इट हैज 1 रो एंड 3 कॉलम तो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 3 क्रॉस 3 वो क्या आएगा 3 क्रॉस 3 तो आप क्या ध्यान रखते हैं आप ये ध्यान रखते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम दैट इज 1 इंटू 2 देन फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम तभी एलिमेंट आएगा ध्यान रखना 1 1 1 2 1 3 तो ये क्या होगा 1 4 नाम भी इसका 1 1 है इसका 1 2 है इसका 1 3 है ऐसे 2 1 देन 2 इंटू 3 देन 2 इंटू 4 देन 3 इंटू 2 दिस इज 3 इंटू 3 दिस इज 3 इंटू 4 नाउ व्हाट आई गेट द आंसर इज दिस कम्स आउट टू बी 2 Then again, sorry, this is 1, okay, ये error कर दिया था हमने भी, बस कही थे भी, ठीक है, this is 3, this is 4, this is 4, this is 6, this is 8, this is 6, this is 9, this is 12, ठीक है, so please be careful with it, this was an easy question, easy है, लेकिन काफी लोग इसमें फंसते हैं, ठीक है, let's take up the third part of it, इसका हम कौन सा part लेंगे, अब हम, we'll take up the third part of it, third part क्या कहता है? ध्यान से देखिए व्हाट थर्ड पार्ट सेज इट यू थर्ड पार्ट कहता है आपको इट इज व्हाट 1 माइनस 2 2 3 इनटू व्हाट आई हैव 1 2 3 2 3 1 ठीक है नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर दिस इज 2 क्रॉस 2 दिस इज 2 क्रॉस 3 This is इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 जो रिजल्ट पर प्रोडक्ट इज पॉसिबल अंदर के सेम है तो आंसर क्या आएगा जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा बाहर वाले दैट इज 2 क्रॉस 3
तो यहां पे ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, 2x3, ये क्या है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 × 1 −2 × 2, देन फिर ये आगे ध्यान से चलते जाना 1 × 2 −2 × 3, ठीक है, देन दिस विद दिस वन 1 × 3 −2 × 1, देन सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम 2 × 1, देन वट वी हैव +3 × 2, देन वी हैव नेक्स्ट 2 × 2 +3 × 3, दिस इज वट वी हैव 2 × 3 +3 × 1. नाउ व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, मेरे पास यहां पे क्या आता है, यहां से क्या आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट आई गेट 1 − 4 2 − 6 3 − 2, दिस इज वट वी हैव 2 + 6, दिस इज 4 + 9, दिस इज 6 + 3, सो दिस कम्स आउट टू बी वट वी हैव −3 −4 1, दिस इज 8 13 9, दैट्स वट माई आंसर इज. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है. ओके, वी विल टेक अप द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन वी हैव इज द फिफ्थ क्वेश्चन, इसी का सॉरी फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि ये 3x3 है, तो सबसे मजेदार यही है, सबसे मजेदार यही है. ओके, नाउ सी दिस वन केयरफुली, ध्यान से देखें इसको. फोर्थ पार्ट ऑफ इट, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ठीक है, नाउ दिस इज 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, क्लियर है सबको. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, दिस इज वी हैव इट एज 1 − 3 5, देन नेक्स्ट वी हैव 0 2 4, देन नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट वी गेट इन दिस केस इज 3 0 5. नाउ लेट्स सी दिस वन केयरफुली, सॉरी 6 लिख दिया मैंने यहां पे, ये फोर्थ पार्ट था. ओके, नाउ कम डाउन टू द नेक्स्ट वन, सच में वीडियो बनाना मुश्किल होता है. ओके, नाउ कम डाउन टू दिस वन, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 × 1 +3 × 0 +4 × 3, then first row with second column 2 × −3 +3 × 2 +4 × 0, then first row with last column this is 2 × 5 +3 × 4 +4 × 5. Now then second row with first column, it comes out to be what, 3 × 1 plus what we get 4 × 0 +5 × 3. The next we have second row with second column, this is 3 × −3 +4 × 2 +5 × 0. Then second row with third column, that'll give us 2 × 3, this gives us 3 × 5 +4 × 4 +5 × 5. Now next we have what, 4 × 1 +5 × 0 +6 × 3 +4 × −3 +5 × 2 +6 × 0. Now what we have, 4 × 5 +5 × 4 +6 × 5, that's what we have. ठीक है, ये नॉइस प्रूफ रूम नहीं है, कई बार जैसे रात को थोड़ा लेट लेक्चर बन रहा है, खुद तो विभाग अपना अपना शोर मचा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी आवाजें सुनने को मिलेंगी, जस्ट एंजॉय इट. आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है, दैट्स नॉट डिस्टर्बिंग यू, प्लीज टेक केयर ऑफ इट, प्लीज सॉरी फॉर इट, आई डोंट हैव दिस फैसिलिटी राइट नाउ विद मी. 2 + 0 + 12, मैं इसे ज्यादा जोर से बोलने की कोशिश करूंगा, −6 + 6 + 0, दिस इज 10 + 12 + 20, दिस इज 3 + 0 + 15, दिस इज −9 + 8 + 0, दिस इज 15 + 16 + 25, दिस इज 4 + 0 + 18, दिस इज −12 + 10 + 0, दिस इज 20 + 20 + 30. तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, ओके नाउ आई कैन गेट नॉर्मल, दिस इज 2 + 12 = 14, दिस इज 0, दिस इज हाउ मच 30 40 42, ओके दिस इज 18, दिस इज −1, ये कितना हुआ 30 40
56. Okay, this comes out to be what? 12 minus 2, 40. This is 70. Sorry, 20 lag raha hai. ठीक है. This comes out to be what? 70 with us. ठीक है. So please take care of it. एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं अपने अपने आंसर्स को. Now this is 3 x 3, 14, 0, 42, 18 minus 1, 56, 12 minus 2, 70. ठीक है. So please take care of it. This looks like 70 only. ठीक है. Okay, take care. Sorry. This is minus 2. Fine. Now let's come down to the next one. फर्स्ट गए थे बाबा तुम 22. सॉरी, ठीक है, थैंक यू. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज व्हाट? नाउ नेक्स्ट वी हैव अगली क्वेश्चन. फिफ्थ वन, फिफ्थ वन. ठीक है. नाउ फिफ्थ पार्ट वी हैव, फिफ्थ वन वी हैव इज, दिस इज 3 माइनस 1, 3. दिस इज माइनस 1, 0, 2. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट वी हैव? दिस इज व्हाट? 2 माइनस 3, दिस इज 1, 0, दिस इज 3, 1. इसका ऑर्डर क्या है? इट इज 2 रोज 3 कॉलम. दिस इज 3 रोज 2 कॉलम. दोनों सेम प्रोडक्ट पॉसिबल. रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 2. नाउ प्लीज टेक केयर. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट लिख दूं. 3 इंटू 2, 6. माइनस 1 इंटू 1, माइनस 1. 3 इंटू 3, 9. देन फर्स्ट रो विद सेकेंड कॉलम. 3 इंटू माइनस 3, माइनस 9. माइनस 1 इंटू 0, 0. 3 इंटू 1, 3. Then second row with first column, this is minus 2, 0, and this is 6. Minus 2, 0, and 6. Next we have, this is 3, this is 0, this is 2. So what I get from here? Yahan se mere paas kya aata hai? This is 5, 5 plus 9, that is 14. This is what? Minus 6. This comes out to be what? 4. This comes out to be what? 5. So this was the fifth question with us. Okay? एक छोटा सा मैम, छोटा सा लेने दो प्लीज. ठीक है. नाउ कम डाउन टू द सिक्स्थ वन, द लास्ट वन वी हैव, लास्ट वन ऑफ दिस वन एज वेल एज लास्ट ऑफ द डे. ठीक है. नाउ कम डाउन टू द सिक्स्थ पार्ट ऑफ इट. सिक्स्थ पार्ट पेपर्स क्या कहता है? जल्दी जल्दी से करेंगे इसको, थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि इशारा हो रहा है कि वीडियो लंबी बन रही है. प्लीज टेक केयर ऑफ इट. हमने कर दिया, हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन था उसको सिक्स में ले लिया है. Or I have fifth, let's leave it to you. You can do it yourself. ठीक है. So इसको छोड़ते हैं, इसको आप अपने आप करेंगे. And rest we take up in the next class with you. हम sixth कर चुके हैं, fifth हमने by chance miss कर दिया है. ठीक है. So I hope कि you have enjoyed it. इसको दो तीन बार एक बार recap कर लेना, ताकि आपको करने में या समझने में या सोचने में दिक्कत ना आए. सिर्फ इससे used to होना है. ठीक है. Please, any problem, any help you need it from me, you can WhatsApp me on this number for any material support you need it. Baki NCERT completely I'll be doing with you on the board. And please, if you like what I'm teaching, do subscribe our channel. That is Universal Competition Classes. Please take care, everybody. Enjoy yourself.